महाभारत के युद्ध में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जगत में हलचल मचा दी थी। कौरवों की ओर से लड़ रहे द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और जयद्रथ को मारना लगभग नामुमकिन था, परंतु श्री कृष्ण जिसके साथ हों वहां सब कुछ संभव हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह भयंकर था। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्यों और किस तरह से ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, तब गुरु द्रोणाचार्य को तो पहले विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उनका पुत्र तो अजर अमर है, जिसे कोई नहीं मार सकता। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि करना चाही। युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया, बल्कि इसी नाम का एक हाथी भीम द्वारा मार दिया गया। चूंकि युधिष्ठिर हाथी को भी मरते या मारते हुए नहीं देखा था, अतः वह झूठ बोलने को तैयार नहीं था। द्रोणाचार्य के पूछते ही उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर के इतना कहने पर श्री कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, जिसके शोर में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के द्वारा कही गई आगे की बात नहीं सुन पाते हैं। परंतु वह हाथी था या कोई और, मैं नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्ता जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे पिता को छल से मारा गया है, तो उसने क्रोधित होकर पांडवों के समूल नाश की शपथ ली। अपने पिता के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था। उसने पांडवों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली और चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसने पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर भी काट डाले। पुत्रों की हत्या से दुखी होकर द्रौपदी विलाप करने लगी। उसने पांडवों से कहा, जिस मणि के कारण वह अजर अमर है, उस मणि को उसके मस्तिष्क से उतार लो। अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका तो दिल दहल गया। उसने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। भीम को जब यह पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। उसके पीछे युधिष्ठिर भी निकल पड़े और बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े। पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा उस वक्त घात लगाकर गंगा के तट पर बैठा था। वहां वेद व्यास जी के साथ अन्य ऋषि भी थे। यह भी कहा जाता है कि उसे जब यह पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है। यह देखकर श्री कृष्ण और वेद व्यास जी अचंभित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। यह देखकर वेद व्यास जी घबरा जाते हैं और वह अपने तपोबल के कारण ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोककर कहते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तब वह उस ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ देता है। यह देखकर सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को तो परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आएगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। तब अश्वत्थामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि ऐसा ही है तो आप मुझे केवल एक मनुष्य व्यास मुनि के साथ रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जन्म से ही अश्वत्थामा की मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। कहते हैं कि गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था,
जिसके चलते इतने जोर का धमाका हुआ था कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिलते हैं जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जा रही है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। यह परिणाम ऐसे हैं जैसे कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़ने के बाद घटनाएं देखने को मिलती हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5563 वर्ष पूर्व ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था।